हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल नर्सिंग नोट्स। आज आमर टॉपिक हेउची मूड डिसऑर्डर। ए मूड डिसऑर्डर कौन? जेते बेले बुक रे हेउ बा कोनोसी क्वेश्चन पेपर रे हेउ एंती किछि वर्ड देखिबो, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर या अफेक्टिव डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड MDP, यदि एंती किछि वर्ड देखिबा को मिले तो जानिबो जे क्वेश्चन बा ये टॉपिक मानिया रिगार्डिंग हेथिबो और डिप्रेशन रिगार्डिंग होइथिबो, आइदर ए दुइटी जंक रिगार्डिंग होइथिबो। ए MDP रो फुल फॉर्म हेउची मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। क्लियरली बुझि पारलो? एबे आमे जेबा मूड डिसऑर्डर रो डेफिनेशन को। डेफिनेशन: मूड डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस ऑफ मूड accompanied by a full or partial manic or depressive syndrome which is not due to any other physical or mental disorder. Mood disorder heuchi mood ra disturbance heba ta sahita full or partial manic or depressive syndrome dekha jiba. What is manic syndrome? Manic syndrome heuchi hyper excitement se patient manankara स्पीच माने कथा कहिबा बहुत फोर्सफुली थिबो, से माने सब बेले हाइपर एक्टिविटी देखिउ थिबे, एटा ही हेउची मैनिक सिंड्रोम। देन डिप्रेसिव सिंड्रोम, ए डिप्रेसिव सिंड्रोम हेउची फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, कोनसी कार्य करिया पई तांगर कोनसी इंटरेस्ट नथिबो, सब बेले सैड हे कि बसुथिबे, एटा ही हेउची डिप्रेसिव सिंड्रोम। देन which is not due to any other physical or mental disorder. ओ एहि मूड डिसऑर्डर टी अन्य कोनोसी फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर कारण रु होइ न थाए। ब्रेन रो किछि केमिकल इरेगुलेशन सकासु ए मूड डिसऑर्डर होइ थाए। द प्रिवालेंस रेट ऑफ मूड डिसऑर्डर इज 1.5% एंड इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। मूड डिसऑर्डर रा प्रिवालेंस रेट हेउची 1.5% ओ एहा पूरा वर्ल्ड रे समान अनुपात रे थाए। क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, ICD-10 क्लासिफिकेशन अनुसार एही मूड डिसऑर्डर को F30 रु F39 भितरे क्लासिफाइड करा जाय छी। फर्स्ट कण, F30 रे मैनिक एपिसोड, F31 बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, F32 डिप्रेसिव एपिसोड, F33 रे रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, F34 रे परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, F38 अदर मूड डिसऑर्डर, F39 रे अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर। एही सब क्लासिफिकेशन मानक मध्यरु मैनिक एपिसोड, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव एपिसोड, एही तीनोटी हमर GNN सिलेबस रे अच्छी एवं आमे ए तीनोटी ही डिस्क्राइब करी पढ़िबा। सेति पाई आज आमर ए क्लास रे फर्स्ट आमे मैनिक एपिसोड विषय रे डिस्कस करिबा। मैनिक एपिसोड जहाँ को मेनिया मध्य कहा जाए। फर्स्ट आमे इंट्रोडक्शन देखिबा। इंट्रोडक्शन, मेनिया रिफर्स टू ए सिंड्रोम इन व्हिच द सेंट्रल फीचर्स आर ओवर एक्टिविटी, मूड चेंज एंड सेल्फ इम्पोर्टेंट आइडियाज। मेनिया हेउची एमती एक गोटे साइकोटिक डिसऑर्डर बा सिंड्रोम जहार की सेंट्रल फीचर हेउची ओवर एक्टिविटी, मूड चेंज हेबा, देन सेल्फ इम्पोर्टेंट आइडिया। एही सेल्फ इम्पोर्टेंट आइडियाज कौन? से माने निज इच्छा रे सब काम करूथिबे, कहा कथा भी से माने सुनंतिनी। देन डेल्यूजनल ग्रैंडियोस बिहेवियर मध्य तांको मध्य रे देखा जाय थाए, माने निजो को गॉड को सहित कंपेयर करंती आउ किछि फेमस पर्सन मान को सहित तांकर रिलेशन अछि बोली से माने यहां बिलीव करंती। द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ मैनिक एपिसोड इज अबाउट 0.8 to 1%। द डिसऑर्डर ऑकर्स इन एपिसोड्स लास्टिंग यूजुअली 3 to 4 months फॉलोड बाय कंप्लीट रिकवरी। ये मेनिक डिसऑर्डर टी एपिसोड वाइज होई थाए, 3 to 4 months लास्टिंग करे, पेशेंट रो फॉलोअप ट्रीटमेंट करबा द्वारा तार कंप्लीट रिकवरी मध्य होई पारिबा। देन आमे पढ़िबा डेफिनेशन ऑफ मेनिया। मेनिया इज ए मूड डिसऑर्डर एंड स्टेट ऑफ हाइपर एक्साइटमेंट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स ट्रायड फीचर्स, एलिवेटेड अनस्टेबल मूड, इंक्रीज प्रेशर ऑफ स्पीच, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। मीनिंग हेउची मेनिया हेउची गोटे मूड डिसऑर्डर जेउ थिरे की
पेसेंट रो बिहेवियर हाइपर एक्साइटमेंट होता है आउ यार तीनोटी फीचर हेउची एलिवेटेड अनस्टेबल मोड माने इंक्रीज अनस्टेबल मोड ए अनस्टेबल मोड कौन सडनली चेंज माने तांकर मोड केतबेले स्टेबल रहेनी तांकर मोड सबबेले सडनली चेंज होइथाय इंक्रीज्ड पेसर ऑफ स्पीच तांकर कथा कहिबा शैली मध्ये बहुत स्फूर्ति थाए बहुत स्पीड से माने कथा कहंती इंक्रीज मोटर एक्टिविटी से माने गोटे जागा रे शांत भाव रे बसंतिनी सबबेले किछि ना किछि एक्टिविटी से माने करूथिबे क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिया F30 रे मेनिक एपिसोड ए मेनिक एपिसोड को F30 रे क्लासिफाइड करा जाय छे F30.0 रे हाइपोमेनिया F30.1 मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स F30.2 मेनिया विथ साइकोटिक सिम्टम्स ए साइकोटिक सिम्टम्स कौन डेल्यूजन हालूसिनेशन इल्यूजन इसे भी होची साइकोटिक सिम्टम्स F30.8 अदर मेनिक एपिसोड F30.9 अनस्पेसिफाइड मेनिक एपिसोड देन आमे पढ़ीबा इटियोलॉजी फर्स्ट आमे देखिबा न्यूरोट्रांसमिटर फैक्टर्स मेनिक एपिसोड्स आर रिलेटेड टू एक्सेसिव लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन इम्बैलेंस बिटवीन कोलिनर्जिक एंड नॉरएड्रेनर्जेनिक सिस्टम और डेफिशिएंसी इन सेरोटोनिन एगुड़िक हेउछि न्यूरोट्रांसमिटर जेतेबेले नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन रा लेवल एक्सेस हुए सेतेबेले मेनिया हेबार चांस थाए कोलिनर्जिक एंड नॉरएड्रेनर्जिक सिस्टम रो जेतेबेले इम्बैलेंस हुए से मानक भितरे सेतेबेले मध्ये मेनिक एपिसोड होइथाय सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमिटर रा डेफिशिएंसी द्वारा मध्ये मेनिक एपिसोड होइथाय देन जेनेटिक फैक्टर्स मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैव ए हायर रेट ऑफ इंसिडेंट देन नॉर्मल सिब्लिंग्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव्स नॉर्मल सिब्लिंग माने नॉर्मली भाई भोनी मानंकर थारु मोनोजाइगोटिक ट्विन्स मानंकर अधिक चांस थाए ए मेनिक एपिसोड हेबार फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स 5 to 10% चांस आइडेंटिकल ट्विन विथ डिसऑर्डर अबाउट 40 to 70% चांस फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कौन माँ बापा ठारु जो पुओ झी जन्म होती से फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स और से 5 to 10% चांस थाए मेनिक डिसऑर्डर हेबार आइडेंटिकल ट्विन्स कौन आइडेंटिकल ट्विन्स जहाँ मनोजाइगोटिक ट्विन्स से इतने कौन हुए ना ट्विन्स मानकर सेक्स समान थाए तंकर फेस मध्य समान हुई थाए तंकर जीन मध्य समान हुई थाए आउ ए ट्विन्स मानकर 40 to 70% चांस थाए मेनिक डिसऑर्डर है बार देन साइकोलॉजिकल कॉजेस इंक्रीज स्ट्रेस चेंजेस इन लाइफ रोल चेंजेस मे कॉज मूड चेंज ए सब कॉज पाई मध्य मेनिक डिसऑर्डर है बार संभावना थाए बायोकेमिकल कॉजेस मेटाबॉलिक चेंजेस इन ब्रेन पैथोलॉजी विथ दिस डिसऑर्डर द कैटेकोलामाइन इनबैलेंस इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड कैटेकोलामाइन मे कॉज मेनिया कैटेकोलामाइन गोटे केमिकल जहाँ कि जितेबले ब्रेन रे तार इनबैलेंस हुए आइदर इंक्रीज हुए और डिक्रीज हुए जितेबले केमिकल रो इनबैलेंस हुए सेतेबले मेनिक डिसऑर्डर हेबार संभावना थाए देन आमे पढ़ीबा क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिया फर्स्ट आमे देखिबा एलिवेटेड एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड इट हैज 4 stages डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ मैनिक एपिसोड एलिवेटेड एंड एक्सपेंसिव मूड पेशेंट ग्रैंडियस एटीट्यूड फील करिबा बा निज को निजे सुपीरियर एटीट्यूड फील करिबा प्राउड फील करिबा ही हेउची एलिवेटेड एक्सपेंसिव मूड ओ इरिटेबल मूड रा मीनिंग हेउची एंगर मूड एलिवेटेड एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड को 4 stages द्वारा डिस्क्राइब करा जाय छी फर्स्ट स्टेज हेउची यूफोरिया स्टेज 1 इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस सोशल वेलबींग मीन्स सोसाइटी रे अन्य मानक सहित तार रिलेशन बहुत भल थाए निज को निज प्राउड फील करे एनर्जी लेवल तार बहुत इंक्रीज थाए से सब बड़े खुशी रे रुहे हैप्पीनेस मध्ये तार इंक्रीज थाए या ही हेउची यूफोरिया सेकेंड स्टेज हेउची इलेशन मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी एही स्टेज रे पेशेंट रो मूड मॉडरेट एलिवेशन होइथाय ओ ता सहित साइकोमोटर एक्टिविटी मध्ये इंक्रीज होइथाय ए साइकोमोटर एक्टिविटी माने कोन
ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଟି ଏମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଏନଗେଜ୍ ଥାନ୍ତି କି ତାର କୌଣସି ପର୍ପୋଜ୍ ହିଁ ନଥାଏ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ରୁମ୍ ସାରା ରୁମ୍ର ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲିବା, ପାଦରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପାଦକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରି କରି ବହୁତ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ କରିବା, ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ଫୁଲ୍ କଥା ହେବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ସାଇକୋମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀ, ଏକ୍ଜଲ୍ଟେସନ୍, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଲିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁଡ୍ ୱିଥ୍ ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡିୟର। ଏ ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡିୟର ମାନେ କ'ଣ? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେସେଣ୍ଟଟି ଫଲ୍ସ ବିଲିଭ୍ କରେ କି ସେ ଗଡ୍ଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରେ, ଆଉ ସେ ଭାବେ ଯେ କିଛି ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ମହାନ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଦେନ୍ ଏକ୍ସଟାସି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋର୍, ସିଭିୟର ଏଲିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁଡ୍। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସିଭିୟର ଏଲିଭେସନ୍ ମାନେ ସିଭିୟର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ମୁଡ୍ର। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆସ୍, ଥଟ୍ ରେସିଂ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ରାପିଡ୍ ସିଫ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଟପିକ୍ ଟୁ ଆନଦର ଟପିକ୍। ଏହାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମେନିଆରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥଟ୍ର ରେସିଂ ଚାଲିଥାଏ ବା ଭାବନାର ରେସିଂ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଏ ଥଟ୍ ରାପିଡ୍ଲି ସିଫ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ୱାନ୍ ଟପିକ୍ ଟୁ ଆନଦର ଟପିକ୍। ଏବେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ଭାବୁଥିବେ, ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆ। ଦେନ୍ ପ୍ରେସର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ସ୍ପିଚ୍ ଇଜ୍ ଫୋର୍ସଫୁଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଉଡିଂ, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ। ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ଏତେ ଫୋର୍ସଫୁଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଉଡିଂ ଥାଏ ଯେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଡେଲିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡିୟର, ଏଠି ପେସେଣ୍ଟଟି ଭାବେ ଯେ ତା'ର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ନଲେଜ୍, ତା'ର ପାୱାର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ। ସେ ନିଜକୁ ଗଡ୍ଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରେ, କିଛି ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍ଙ୍କ ସହିତ ତାହାର ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଅଛି ବୋଲି ତାହା ବିଲିଭ୍ କରେ। ଦେନ୍ ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ୍, ଏହାର ମିନିଂ ହେଉଛି ସେ ପେସେଣ୍ଟଟି ଭାବେ ଯେ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତା'ର ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସନ୍ଦେହ ସବୁବେଳେ ତା ମନରେ ଆସିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟାସିଭ୍, ସେ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ଟପିକ୍ରେ ସେ ଡିସ୍ଏଗ୍ରି ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ହିଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟାସିଭ୍ କୁହାଯାଏ। ସାଇକୋମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଓଭର ଆକ୍ଟିଭିଟିନେସ୍, ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍, କଲରଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସିଂ ଅର୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଜୁଏଲେରୀ, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ମେକଅପ୍, ଆଲକୋହଲ ଇନଟେକ୍। ପେସେଣ୍ଟଟି ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଭାବରେ ମାନେ ସେ କେବେ ବି ଥକେନି, ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଭାବରେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଭିଟିନେସ୍ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଘର ସାରା କିଛି ବି କାରଣ ନଥିବ ଘର ସାରା ସେମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ, ଦେନ୍ ପାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ୟାପ୍ କରୁଥିବେ, ଅଜୀବ ଅଜୀବ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଫୋର୍ସଫୁଲି କଥା ହେଉଥିବେ, ନିଜକୁ ନିଜ କଲରଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସିଂ କରୁଥିବେ, ଅଜୀବ ଅଜୀବ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଜୁଏଲେରୀ ପିନ୍ଧୁଥିବେ, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ମେକଅପ୍ ନେଉଥିବେ, ଆଲକୋହଲ ଇନଟେକ୍, ଏସବୁ ହେଉଛି ସାଇକୋମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଦ ପର୍ସନ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଇନ୍ ସିଜ୍ଲେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆଉ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଅଦର ଫିଚର୍ସ, ଇନକ୍ରିଜ୍ ସୋସିଆବିଲିଟି, ଇମ୍ପଲ୍ସିଭ୍ ବିହେଭିଅର, ଏହାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆକ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହାଇପର୍ ସେକ୍ସୁଆଲ, ପୁଅର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ହାଇ ରିକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଫୁଲିସ୍ ବିଜନେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ମନି ଅର୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଟୁ ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍, ସେମାନେ ହାଇ ରିସ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ବିଗ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାର କି କୌଣସି ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଇନଥାଏ। ନିଜର ମନି ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ନିଡ୍ ଫର୍ ସ୍ଲିପ୍, ଯେତିକି ଶୋଇବା ଦରକାର ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ବି କମ୍ ସେମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଇନଟେକ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଓଭର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତାଙ୍କର ଆଟେନ୍ସନ୍ ଆଉ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ଏହି ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖିନିଅ, ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରିବ। ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଫ୍ ହାଇପୋମେନିଆ, ସମଟାଇମ୍ସ ଏହି ହାଇପୋମେନିଆର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ। ହାଇପୋମେନିଆ ଇଜ୍ ଲେସର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ମେନିଆ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ? ମାଇଲ୍ଡ ଏଲିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପିନେସ୍,
irritability, attention and concentration may be impaired, sleep time reduced, REM time is increased, but the patient feels, looks fresh and energetic. The individual simply feels great. Delusion of grandiosity presents. जेउटा कि आमे ऑलरेडी पढ़ी सारिलेनी. देन आमे पढ़ीबा डायग्नोसिस, साइकोलॉजिकल टेस्ट सच आज यंग मेनिया रेटिंग स्केल, ICD-10 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्पटम. मेनिक पेशेंट मानकर डायग्नोसिस केमती करा जाए? यंग मेनिया रेटिंग स्केल द्वारा याकु पेशेंट रो सिम्पटम को इवैल्यूएट करिया पाई एही यंग मेनिया रेटिंग स्केल यूज करा जाय थाए. ICD-10 डायग्नोसिस क्राइटेरिया अनुसार डायग्नोसिस करा जाए. देन बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्पटम, पेशेंट की रो साइन एंड सिम्पटम को बेस करके डायग्नोसिस करा जाय थाए. देन आमे पढ़ीबा ट्रीटमेंट मोडालिटीज. फर्स्ट आमे देखिबा फार्माकोथेरापी. लिथियम 900 to 2100 mg पर डे, कार्बामाजेपिन 600 to 1800 mg पर डे, सोडियम वाल्पोरेट 600 to 2600 mg पर डे. अदर ड्रग्स आर कोलनजेपाम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. गोटे ट्रीटमेंट कौन करा जाए? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी बा ईसीटी. ईसीटी कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर अक्यूट मेनिक एक्साइटमेंट इफ नॉट एडिक्वेटली रिस्पोंडिंग टू एंटीसाइकोटिक्स एंड लिथियम. जदि पेशेंट टी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बा लिथियम को एडिक्वेट भाव में रिस्पोंड न करे तो यही इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी की यूज करा जाए थाए. देन साइकोसोशियल ट्रीटमेंट, फैमिली एंड मैरिटल थेरापी यूज टू डिक्रीज इंट्रा फैमिलियल एंड इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज एंड टू रिड्यूस मॉडिफाई स्ट्रेसर्स. एंड मैरिटल थेरापी रे कौन हुए ना, एठारे पेशेंट टी रो इंट्रा फैमिलियल एंड इंटरपर्सनल डिफिकल्टी को केमती कमे की तार स्ट्रेस को केमती मॉडिफाई करिबा आउ तार स्ट्रेस गुडी को केमती कमेबा सेथि पई याकु यूज करा जाय थाए. The main purpose is to ensure continuity of treatment. यहाँ रा main purpose है उच्च की ensure to continuity of treatment. Patient रा treatment continue है उच्च की नहीं ताहर ensure करीबा. तो थिला मेनिक एपिसोड बा मेनिया. Next video रे आमे depressive episode बा depression विषय रे discuss करीबा.